खेल एवं युवा कल्याण रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से खोड़ में एक कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जिसमें खोड़ के आसपास के ग्राम के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। साथ ही स्केल फॉर डेवलपमेंट के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के साथ ही आईएसएल एकेडमी के द्वारा 3 माह के कोर्स से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी के खरे, यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के निजी सचिव राजेन्द्र शिवहरे, कप्तान यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष खोड किरण सिंह लोधी और श्रीमंत महाराज के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, श्रीमंत महाराज साहब के द्वारा स्किल फॉर डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज कार्यशाला खोड़ में आयोजित की गई थी, इस किस तरह का कार्यक्रम था और इसका युवाओं को क्या लाभ मिलेगा? ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्किल एकेडमी है, ये श्रीमंत माधवराव सिंधिया खेल परिसर में संचालित है। इसके अंतर्गत दो ये कार्यक्रम है, जिसको हम DSYW आयशर अकेडमी और इंडसइंड बैंक स्किल अकेडमी हम कहते हैं। इसका संचालन, जो आयशर अकेडमी का संचालन है, वो 3 महीने का प्रथम यहाँ पे कोर्स है, उसके बाद ये 6 महीने का कोर्स पीतमपुरा में है, और जो दूसरा इंडसइंड बैंक स्किल अकेडमी है, ये 12 दिन का प्रोग्राम हमारा शिवपुरी में है, स्टेडियम में। उसके बाद 1 महीने का इंटर्नशिप जो इंडसइंड बैंक है, इनकी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर लगेगा। इसके अंतर्गत 10वीं से 26 साल के बच्चे आ सकते हैं, जो मैकेनिकल स्किल अकेडमी है आयशर की, और जो हमारी इंडसइंड बैंक है उसके अंदर ग्रेजुएट हम मान रहे हैं। और ये बहुत अच्छी योजना है जो महाराज साहब ने यहाँ पे उनके निर्देशन में ये शिवपुरी स्टेडियम में ये आयोजित की जा रही है, और संपूर्ण श्रेय महाराज साहब को जाता है। इससे जो बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा, और आज हम एक उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि खोड़ जैसे क्षेत्र से बच्चे जाएँ, चूँकि शिवपुरी जो शहर है वहाँ से कई बच्चे ये स्किल अकेडमी में एडमिशन लेते हैं और उनका लाभ उठाते हैं, लेकिन ग्रामीण में अभी ये योजना वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, जिसके लिए हम कार्यरत हैं। हम हर गांव में, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, और आज हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर रखा है, तो इसके अंदर काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभागिता करी, और मुझे बहुत खुशी है कि खोड़ के जो युवा हैं वो इतने उत्साहित हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए, और हमारे जो प्राचार्य साहब हैं पुरुषोत्तम जी, वो भी एडमिशन अभी बच्चों का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे कितनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये बच्चे वहाँ पे आएंगे, 3 महीने वहाँ पे कोर्स करेंगे, और इनकी सारी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो व्यवस्था, और इनकी खेलने की सुविधाएं, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। और ये बच्चे फिर 6 महीने पीतमपुरा जाएंगे, वहाँ पर भी ये OJT जो प्रोग्राम है वहाँ पर हिस्सा लेंगे। इनका जो मानदेय है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जैसा प्राचार्य साहब ने बताया कि 1 महीने के अंदर इनको प्लेसमेंट दी जाएगी, और जो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा सीखेंगे, और जिनके पास लगन है कुछ करने की, वो 100% आगे बढ़ के इस स्किल में अपना नाम रोशन करेंगे। तो जो लोग बच्चे अभी नहीं आ पाए उनके लिए आगे कोई कार्यक्रम है इस तरह का? बिल्कुल, जो बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं, हमने यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सबको लीफलेट्स जो होते हैं वो दे रखे हैं, और वो जाके उसमें नंबर भी हैं, वो हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सअप करें, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करें, हम उनका रजिस्ट्रेशन फ़ोन के द्वारा भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा जब एडमिशन लेने आए तो वो शिवपुरी आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमसे फ़ोन से कॉन्टैक्ट करें, हम उनसे व्हाट्सअप कॉल करेंगे, हमें सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप पर भेज दें, हम उनका ऐसे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।